चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में उदित नारायण जी आने वाले हैं, जिनके हाथ से ये म्यूजिक लॉन्च होगा। तो मैं सभी मेहमानों से चाहूंगा कि वो आपके अपनी जगह पर बैठ जाए। दोस्तों उदित जी हमारे बच्चे के ऊपर है ये और इस मूवी में अनाथ बच्चों को दिखाया गया है और आज के अनाथ बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। उनका जो अनाथ बच्चे हैं वो कुछ करना चाहते हैं तो वो बच्चे किसी का सहारा नहीं लेते, अपने आप के अपने बलबूते पे कुछ करते हैं अपने दम पे। तो ये कहानी में एक और भी ट्रैक है वन साइड लव। दोस्तों एंड में जाके दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, कहानी डेवलप हो जाती है और बड़े लड़के हैं उसका भी सपना होता है कुछ देश के लिए करने के लिए, अपने अपने सपने होते हैं। लेकिन उस दौरान एक एक्सीडेंट हो जाता है कि जो उसके सपने अधूरे हो जाते हैं और वो सपने छोटे जो अनाथ बच्चे हैं वो पूरा करते हैं। वो हिसाब से बाकी ऑडियंस देखेगी तो उसको अच्छी लगेगी। हमने तो कोशिश की है बनाने की, अच्छी बनाने की, देखते हैं अब। सर देखा जाए तो फिर ये मूवी आपकी की है, प्रोड्यूसर भी आपकी है, आपकी वाइफ है, इस मूवी की स्टोरी आपको ज़्यादा पसंद है कि खुद को लॉन्च करने के लिए ये मूवी आपने बनाई? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये जो स्क्रिप्ट है कहानी है मुझे बहुत पसंद आई। वो मुझे काम तो मैं बाद में सोचा करने के लिए, पहले तो मूवी बनाना था और अली खान ने मुझे बताया कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है इसके ऊपर आप काम करो। बाकी हम बैठे तो सब लोगों ने साथ सहकार दिया तो एक ट्राई किया कि भाई इंडस्ट्रीज में कुछ करते हैं। तो एक मूवी बनाई, फर्स्ट मूवी बनाई और आज रिलीज हो रही है, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। सर जैसे देखा जाए तो ये मूवी देशभक्ति पर भी डिपेंडेंट लग रही है, तो इस पर ट्रेलर को देखने पे हाँ तो देशभक्ति के ऊपर है थोड़ा, क्योंकि आतंकवादी का भी है। इसमें मेरा भारत महान जो देशभक्ति का सॉन्ग है और दूसरा इमोशनल छोटे बच्चे का, अनाथ बच्चों का जो सॉन्ग है वो भी अच्छा लगा मुझे। और एक रोमांटिक सॉन्ग है छलक छलक जाए, वो भी मुझे बहुत अच्छा। राज चौहान साहब पहले मैं इस मूवी के बारे में बोलेंगे, मैं बीच में से बोलती रहूंगी। ठीक है, इस मूवी के बारे में मूवी जैसे कि टाइटल से वाकिफ है, हम हैं वंडर बॉयज़। चार पांच लड़कों की कहानी होती है जो कि बचपन में ही उनकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो उनकी आत्माएं फिर बड़े बच्चों में डलती है कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है और कोई साइंटिस्ट बनता है। तो उस तरह की ये मूवी है और पूरी ही की पूरी देश के ऊपर है, समाज के ऊपर एक मैसेज है। हाँ ऐसा ही है मूवी का, क्योंकि फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ये समाज को डिवोट करती है और उसमें चाहे वकील का करेक्टर हो, चाहे किसी साइंटिस्ट का हो, चाहे प्लेयर का करेक्टर हो, वो एक अपने देश के लिए नौछावर है, कुछ कर गुजरने की उसमें चाहत रहती है। उसी तरह के इसमें सॉन्ग्स लिए गए हैं। फेवरेट सॉन्ग तो मेरे साथ में फिल्म की एक्ट्रेस हैं नेहा श्री, वो ही बता पाएंगे जो फेवरेट। हाँ एक तो बहुत रोमांटिक सॉन्ग है जो मुझे इस फिल्म का बहुत पसंद है और आपकी आवाज़ में वो गाना है। थैंक्स अ लॉट, आई जस्ट वांट टू सिंग टू लाइंस फॉर यू ऑल। गाना वेरी रोमांटिक है और मैं समझती हूँ कि जितने भी दर्शक हैं और जितने भी हमारे मतलब सॉन्ग लवर्स हैं, म्यूजिक लवर्स हैं, सबको पसंद आएगा बिकॉज अभी रोमांटिक गाने का बहुत अच्छा दौर चल रहा है। मैं दो लाइन्स आपके लिए आप सबके लिए गाऊंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। छलक छलक जाए ना यारा प्यार का प्याला मेरे यारा, छलक छलक जाए ना यारा प्यार
का प्याला, प्यार का प्याला मेरे यारा। और जितने भी सारे दर्शक हैं सबको मैं 8 अप्रैल को हम सभी लोग हमारे जितने नेहा हैं और हाँ सब लोग हम स्वागत करेंगे बिल्कुल। आप लोग सब लोग सिनेमा घरों में आइए, एकदम सब परिवार आइए, जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स सबको लाइए और बिल्कुल खूब खूब आशीर्वाद दीजिए, खूब मतलब आप साथ दीजिए बिल्कुल। ऑडियंस के लिए ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल हमारा जो मूवी है ये बहुत अच्छा मैसेज सबको सबके लिए लेके आ रही है और बिल्कुल सब लोग आइए और हम लोग दिल से स्वागत।